नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सोहेल भाई, जैसे कि कुछ दिनों पहले एनसीपी के हाजी मोमिन भाईजान ने, जो आपके बीजेपी के पदाधिकारी है, उनको लेकर एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे, खास तौर पर निरंजन डावकरे पर, तो इस संदर्भ में आप लोग क्या कहेंगे? इसमें वो कौन है वो तो हमको पता नहीं है कि मतलब लास्ट एक ऐसी न्यूज़ उनकी आई थी कि जिसके अंदर उन्होंने कुछ किसी लेडीज़ को कोई गलत मैसेज सेंड कर दिया था, उसके ऊपर बहुत सारा बवाल हुआ था, रास्ते पे उनके साथ हाथापाई भी हुई थी, ये सब भी देखा गया था। तो ऐसे लोग अपनी ऑफिस में बैठ के जो काम की बातों को छोड़ के यही सब बातें करेंगे कि वहाँ आपके हमारे MLC को, निरंजन डावकरे जी को, हमारे MLA संजय केलकर जी को, जो नाला सफाई जो बारिश से पहले की बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अगर वो नहीं होता तो आज मुमरा में जितना पानी दिख रहा है उससे दुगना तिगना चौगना पानी रहता। तो ऐसे काम जो हम खुद रोड पे जाके कर रहे हैं, हम गली में, हम ग्राउंड पे जाके जो काम कर रहे हैं, उस काम के लिए भी जब अगर कोई आ रहा है तो यहाँ की NCP पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि ये किस तरीके की उनकी सोच है। जुल्फिकार भाई, हम आपकी बात काटते हुए कहना चाहते हैं कि जैसा आपने अभी कहा, सत्ताधारी पार्टी को और उनके पदाधिकारियों को काफ़ी हद तक के तकलीफ है, जो आपकी पार्टी वाले मुमरा में आकर के कोई चीज़ पर मुद्दा उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों BJP वाले मुमरा में आते हैं, उसके पहले कहाँ रहते ये सारे लोग? नहीं, इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वर्कआउट है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं आपको गिना दूँ, टोरंट पे स्टे लेना, यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जो रैली निकली थी उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है हमारी, शिमला पार्क तालाब पे जो फेंसिंग नहीं थी उसका बाकायदा न्यूज़ के अंदर आप टुडे वॉइस की न्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने फायर ब्रिगेड का सर्वे कराया था, म्यूनसिपालिटी का सर्वे कराया था, ऐसे बहुत सारे काम। जैसे कि अभी आपने कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर के कहा, तो हमें जहाँ तक के याद है BJP से जो हाजी अरफात है वो मुमरा में आए थे उस दौरान रिदा राशिद के साथ में, परंतु कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर उन्होंने कोई खास टिप्पणी नहीं दी थी और वहीं सत्ताधारी पार्टी के इस काम को सराहना देते हुए चले गए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने सराहना ही दी थी, वो सत्ताधारी पार्टी को नहीं दी थी, उस वक्त पे जो ऑफिसर थे गोसावी साहब ने वो बताया था, वहाँ पे बताया था कि ये जैसे कि हर कब्रिस्तान के अंदर जहाँ पे गिल्ली कच्ची मिट्टी रहती है वहाँ पे कुछ पानी रहता है। लेकिन अभी इस साल की मैं आपको बात बता देता हूँ कि इस साल भी जो कब्रिस्तान के अतराफ़ में आजू बाजू के जो नाले थे, मैंने खुद अपने फेसबुक पे भी चलाया था कि मुमरा MM वैली के कब्रिस्तान के आजू बाजू के अंदर भी पानी भरा हुआ है, बाहर पूरा पानी भरा, इसके लिए वो कब्रिस्तान में पानी जा रहा है। अगर बाहर नाले अगर बराबर होते तो ये पानी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाता। सबसे पहली बात तो कब्रिस्तान की बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन जिस जगह पर कब्रिस्तान चाहिए था वहाँ पर मिला नहीं। ये सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है, इसके आगे भी अगर जहाँ पे पानी भर रहा है या नाला बराबर नहीं है या ये डाउन लाइन है, इसकी जो फ्यूचर में भी जो तकलीफ रहेगी तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को ही जाती है। और इसके अलावा इवन शानू बढ़ान जी ने, जो विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी टिप्पणी की कि इससे पहले आपके नेता कहाँ थे, आप लोग का काम सही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका काम अगर सही होता तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे जिस जगह पे हम लोग खड़े MM वैली पे, यहाँ पे पीछे हॉस्पिटल का एक दशक से काम चालू है, तकरीबन 12 साल से इस हॉस्पिटल का काम चालू है। 4 माले का हॉस्पिटल था, इतना विकास इसके अंदर हुआ कि 1 माले का हो गया, कितना विकास हुआ रहेगा सोचिए। और मैं तो कहता हूँ इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, जैसे दुनिया के दूसरे कोने के अंदर हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी कोई 20 दिन में हॉस्पिटल बना देता, किसी देश के बारे में पता चलता है कोई 1 महीने में, यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा कि 12 साल हो गए तो भी हॉस्पिटल का काम चल रहा है। तो गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर यहाँ का हॉस्पिटल को हमको देना पड़ेगा, तब जाके शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको समझ में आएगा कि इस हॉस्पिटल के मुद्दे को लेकर आपके BJP के पदाधिकारी ने क्या कार्य किए हैं और क्या उनकी लास्ट कोरोना काल में अनिरुद्ध मलगांवकर जी जो थाना के हेल्थ ऑफिसर है, उनसे हमारी बाकायदा इसके ऊपर 3 से 4 बार मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये कोविड सेंटर ना बनाया जाए, इसका फंड, इसका बजट इसके अंदर ही, इस हॉस्पिटल में ही लगा के इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो उसमें उस वक्त की उनकी जो मजबूरी थी उन्होंने हमको बताया और हमको कुछ आश्वासन दिया था जो आज तक के पूरा नहीं हुआ। अब तो उनका तबादला हो चुका है, अभी वो शिवाजी हॉस्पिटल के कुछ हेड है और उनकी जगह पे कोई और आया है और कार्य इसके ऊपर अभी भी चालू है। अब इस तरीके के काम आपके शहर के अंदर, आपके एक दशक के ऊपर आपकी सत्ता रहने के बाद इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतने बड़े बड़े काम, आज भी जिस मित्तल नाले के ऊपर जो हमने शाइस्ता कुरैशी जी ने जो लेटर डाला था उसके ऊपर से ये इशू शुरू हुआ था, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ी रोशनी शाइस्ता कुरैशी जी, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष,
माइनॉरिटी मोर्चे की वो बोलेगी कि किस तरीके से उन्होंने कितनी तारीख को लेटर डाला था, क्या लिया था, और दो तीन दिन पहले असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले थे, उसके बारे में बताएंगे। 27 मई महीने के 27 तारीख को मैंने थाना मुंगरा म्यूनसिपलिटी में लेटर डाली, 27/5 को मैंने लेटर डाली थी कि अपना मुंगरा में नाले सफाई बराबर हो नहीं रही है और मित्तल मैदान में जो नाला है, जो काम चालू है, वो काम अधूरा था। बारिश में क्या सीमेंट का काम इतना खास होता नहीं है, बारिश के पानी से सीमेंट के बराबर बैठेगा। इन लोग अगर यही काम 4 महीना पहला करते थे तो शायद आज अच्छी तरह से नाले का काम हो सकता था। वहाँ के लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, पानी भर रहा है घरों में, आज इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? यहाँ के नगर सेवक या MLA या म्यूनसिपैलिटी वाले ही रहेंगे ना, अगर ये लोग अपना हाथ उठा रहे। अभी ये लोग दोष दे रहे हैं कि वहाँ के ठेकेदार को, तो ठेकेदार को जब ठेका दिए तो उस टाइम पे क्या आप लोग कान में क्या एयरफोन डाले थे या आँखों में चश्मा लगाए थे? जो आपने बराबर देखे नहीं काम, ऐसे अंधे को देना ही नहीं चाहिए था जो सही से काम नहीं कर पा रहा था। अब आप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं तो यही बोलूँगी कि जल्द से जल्द काम करिए। हम लोग 2 दिन पहला यहाँ के सहायुक्त सालुंके साहब को मिले थे, सर बोले हैं खत मुझे दिए नहीं है, खाली ओरली बोले हैं कि मैं 1 महीने में करूँगा, 1 महीने में करूँगा। इसका मतलब क्या? अभी भी इनको श्योर नहीं है कि करूँगा। लिखत की मांग नहीं की उनसे? सर को मैंने बोली लिखत दीजिए, लेकिन सर बोले हाँ मैं देता हूँ। ऐसे ही हो, इन्हें कभी भी बोलेंगे, कोई भी बात करेंगे, हम लोग तो एकदम बराबर से जवाब देते नहीं है सर। मतलब ये मुद्दा अगर सत्ताधारी पार्टी उठाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग का कोऑपरेशन ज्यादा होता है। शायद यही है, शायद इनको फायदा रहेगा कुछ, तो तभी तो ना आवाज नहीं आता इनको। हम जब भी जवाब लेते हैं, जब इनका आवाज नहीं निकलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना।